मेहता का उल्टा चश्मा। की आराधना शुरू हो जाएंगी। सब पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। वैसे मुझे कब से माताजी का गीत गाने का मन हो रहा है। नेकी और पूछ पूछ गाइए। गरबा भी बहुत अच्छा करती है और गाती भी बहुत अच्छा है ने? और जेठा जी भी आपके साथ ताल से ताल मिलाकर बराबर गरबा करते हैं। अरे चंपू के पापा बोलते नहीं है लेकिन गरबा का उत्साह उनमें मुझसे ज्यादा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ अभी वो दुकान गए हैं लेकिन मन में तो नवरात्रि के विचार चल रहे होंगे। बराबर दया भाभी। थैंक यू। चलो दया भाभी हम लोग चलते हैं अभी। हाँ हाँ चलते हैं। पता है मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम सब की मीटिंग हो गई, गरबा की इतनी प्रैक्टिस हो गई, तो कल शाम को माताजी की आरती के समय सब मिलते हैं और नवरात्रि की शुरुआत करते हैं। और चलो चलो कितनी तैयारी बाकी है। चलो सुनिए, घर के सारे काम गरबा खेलते खेलते ही करना है। गरबा की पैट्रिक्स चालू रखना, उत्साह बनाए रखना। ओके तुझे कैसे पता चला मैं हूँ? मुझे पता है क्योंकि आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मैं प्रेम रोगी नहीं हूँ तो आप प्रेम रोगी है। दया तू भी ना। अच्छा दया अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। सुनाइए। दया मैं जो अभी तुझे बात कहने जा रहा हूँ अगर बापूजी सुनेंगे ना तो खुशम खुश हो जाएंगे। ओहो बापूजी खुशम खुश हो जाएंगे? ऐसी क्या बात है? आप जल्दी बताइए बापूजी आएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगी। ए हरक पदुड़ी अभी बापूजी को नहीं बताना है। बापूजी को नहीं बताना है?
नहीं बताना है? क्या नहीं बताना है? तो बहू किससे बात कर रही है? लेकिन टप्पू के पापा बापूजी को क्यों नहीं बताना है? नहीं नहीं, सीक्रेट है, मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा, आप बापूजी को सरप्राइज देना चाहते हैं? सरप्राइज? ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देगा? ए, लेकिन जरा धीरे बोल, कोई सुन लेगा। अरे टप्पू के पापा घर पर कोई नहीं है, पर आप सरप्राइज क्या देने वाले वो तो बताइए। सुन, कैसा है आइडिया? वाह वाह टप्पू के पापा, जबरदस्त आइडिया है, मजा आ जाएगा, है ना? लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, टप्पू को भी नहीं, और खास करके बापूजी को तो बिल्कुल नहीं, समझी? टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन दया मुझे ये बता, मान ले बापूजी ने तुझे सीधा सीधा पूछ लिया कि बहू बता क्या सरप्राइज है, तो भी तो नहीं बताएगी? पापा बापूजी मुझे सामने से पूछेंगे तो मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता ही था, खा मेरी कसम खा कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ, मेरी कसम खा, कसम खा मेरी। ठीक है टप्पू के पापा, मैं आपकी कसम खाती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, बस। अरे बाप रे, जेठिया ने तो कसम दे दी, यानी अब बहू मुझे कुछ नहीं बताएगी। चलो चौकन्ना रहना और ध्यान रहे, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, किसी को कुछ भी मत बताना, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। जेठिया का दिमाग खराब हो गया, मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है? पता तो लगाना पड़ेगा, बहू को कसम दे दिए तो वो तो कुछ बताएगी नहीं। मैं तुझको जरूर पता होगा, मैं तुझसे पूछता हूँ। ये जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है, कहीं मुझे वापस बचाओ तो नहीं भेज देगा? नहीं नहीं, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं कर सकता, तो क्या सरप्राइज होगी? जेठिया ने बचपन में मुझे ऐसी ऐसी सरप्राइज दी है ना कि उसके मुंह से सरप्राइज सुनते ही मुझे डर लगने लगता है। आपको कहीं लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, जरा पैर फिसल गया। जमाना कितना खराब आ गया, बड़े बड़े लोग फिसल रहे हैं। इसमें जमाना कहाँ से बीच में आ गया? तो मेरा ध्यान कहीं और था तो पैर फिसल गया। आपका ध्यान किधर था? अब्दुल, हाँ सुन, एक बात बता, कोई मुझे सरप्राइज देना चाहे तो क्या देगा? सरप्राइज? आपको सरप्राइज में क्या देगा कोई, सोचना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आपको कोई मस्त धोती दे सकता है। सरप्राइज में धोती? धोती में क्या सरप्राइज? बेवकूफ कहीं का धोती, मैं तुझ अरे सेठ जी आप आइए ना, मैं तुझ है घर में? नहीं, वो तो ऑफिस गए। अरे बाप रे, क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात है तो आप मुझे बताइए। वो जेठिया मुझे कुछ सरप्राइज देने वाला है और बहू भी उसमें शामिल है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर जेठिया मुझे क्या सरप्राइज देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। अरे वाह चाचा जी, ये तो कितनी अच्छी बात है, बेटा और बहू आपको सरप्राइज दे रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, इसमें आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं तो कहती हूँ चाचा जी कि सरप्राइज का मजा ना सरप्राइज में आता है, आप अभी से जान लेंगे कि सरप्राइज क्या है तो फिर मजा क्या रहेगा। मैं तो कहती हूँ सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए। हाँ, लेकिन जेठिया की सरप्राइज सरप्राइज नहीं होती ना, बहुत बड़ा झटका होता है। जेठिया छोटा था तो एक बार मेरे लिए गिफ्ट का बक्सा लेकर आया।
बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा। आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे लिए? वाह वाह। क्या है बेटा इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लीजिए। हमारा दिक्र मेरे लिए तोहफा लेकर आया है। बाबूजी डल गए। जेठिया का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं ये जान न लूं कि आखिर सरप्राइज है क्या। मैं तो उसका खास दोस्त है तो उसे पूछना था कि सरप्राइज क्या है, इसीलिए आया था। एक काम कर अंजलि बेटा, तू जरा महतूस को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। हाँ चाचा जी, मैं फोन लगाती हूँ, आप बैठिए तो सही। अरे चाचा जी, ठीक तो है ना? हाँ, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। पानी ला के दूं? नहीं। फोन लग गया। अंजलि, हाय क्या बात है मेरी प्रियतमा, मेरे बिना मन नहीं लग रहा ना, बताओ कैसे फोन किया? ए मैतुस, प्रियतमा नहीं चंपक बोल रहा हूँ। चाचा जी आप कहाँ से? मेरा मतलब आप कैसे? नहीं, मेरा मतलब क्या काम था चाचा जी? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे जी। मुझे पता चला है कि ये जेठिया मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे मुझे पता ही नहीं था चाचा जी कि आपका जन्मदिन है। आप जिए हजारों साल चाचा जी, और साल के दिन हो 50,000। अरे मेरा कोई जन्मदिन नहीं है भाई। तो फिर जेठालाल किस बात का सरप्राइज दे रहा है आपको चाचा जी? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा तुझे पता है वो सरप्राइज क्या है? नहीं चाचा जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल बेखबर हूँ। कमाल है, तू उसका खास दोस्त है तो मुझे लगा कि तुझे तो बताया ही होगा। सभी बात छिपा कर रखी, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है। चाचा जी गड़बड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो कोई राज तो जरूर है। मैं भी उसका बाप हूँ, पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर सरप्राइज है क्या। जेठालाल को अचानक हो क्या गया है? क्या सरप्राइज देने वाला है चाचा जी को? पता लगाना पड़ेगा। अरे उठा ले भाई। हाँ दादाजी। हेलो। तोहफा तोहफा। बोलिए बोलिए मेहता साहब। क्या बोलिए जेठालाल? भाई मुझे नहीं मालूम था तुम इतने स्वार्थी हो। वो श्राद्ध वाले गाय के लड्डू खा लिए तब तो अपने परम मित्र को फोन किया तुमने, और सरप्राइज वाली बात गोल वो हमसे छुपा रहे हो। सरप्राइज? सरप्राइज के बारे में आपको कैसे पता चला? दया ने बताया? नहीं नहीं, दया भाभी ने नहीं बताया जेठालाल, मेरे पास चाचा जी का फोन आया था और उनसे मुझे पता चला कि तुम उन्हें कुछ सरप्राइज देने वाले हो। बापू जी को पता चल गया सरप्राइज के बारे में? ये दया है ना, उसके पेट में एक बात नहीं टिकती। नहीं नहीं जेठालाल, भाई तुम चाचा जी को कुछ सरप्राइज देने वाले हो चाचा जी को ये पता चला है, लेकिन क्या सरप्राइज देने वाले हो ये पता नहीं चला है। और यही जानने के लिए चाचा जी ने मुझे फोन किया कि भाई क्या मुझे पता है कि तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो? मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए अब मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया है कि भाई तुम चाचा जी को क्या सरप्राइज देने वाले हो। मुझे तो बता रहे हो कि मुझसे भी छुपा रहे हो। अरे भाई आप तो क्यों नहीं बताऊंगा, आप तो घर के हैं। सुनिए, तो ये है। अच्छा अच्छा, ये बात है, वेरी नाइस जेठालाल। हाँ लेकिन मेहता साहब ये बात आप किसी को बताना मत प्लीज। जेठालाल मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है दया भाभी भूलिए गई, वो ना बता दे। नहीं नहीं दया नहीं बताएगी, मैंने उसको कसम दे रखी है वो नहीं बताएगी। ठीक है, शाम को फिर सोडा शॉप में मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके मेहता साहब। जेठिया ने तो मुसीबत खड़ी कर दी, पता नहीं क्या सरप्राइज होगी। बहू को ना बोलने की कसम दे दी, मेहता को कुछ बताया नहीं, क्या करूं?
कैसे पता लगाऊं? जेठिया कोई फोन करके पूछता हूं, देखता हूं मुझे कैसे नहीं बताता। अरे जेठिया। बापूजी आपने क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, तेरे सरप्राइज के चक्कर में मेरे दिमाग का कचुम्बर हो गया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ए अभिनय सम्राट, ज्यादा नाटक मत कर, मैंने बहू को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। चल बता सरप्राइज क्या है, सोच सोच के मेरे दिमाग में मोच आ गई है। सॉरी बापूजी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ए जेठिया तू भूल मत, शाम को तुझे वापस घर पे ही आना है। वाह, शाम को दुकान से घर पर आ, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बापूजी, बापूजी। अरे बाप रे, ये बापूजी सरप्राइज का मजा लेने के बजाय सजा देने पे आ गए। कोई बात नहीं, आज रात की बात है ना, कल सुबह सरप्राइज मिलता है बापूजी, खुश हम खुश हो जाएंगे। तू ही मेरा तारणहार है। हाँ दादाजी कहिए ना, कहाँ तोरण लगाना है? अरे तोरण नहीं लगाना है, दिख रहा क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे एक बात पता चली है, तेरा पापा मुझे कोई सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? अरे धीरे धीरे थोड़ा धीरे। सर सर सॉरी, पापा आपको सरप्राइज देने वाले है? मुझे कभी सरप्राइज नहीं देते। अरे वो छोड़ ले, अभी ये पता लगाना है कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। कब से मेरे दिमाग में डांडिया चल रहा है। दादाजी पापा आपको सरप्राइज दे रहे, इसमें तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टपूड़ा, कि तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं है। जेठिया जब छोटा था स्कूल जाता था तो मैं उससे पूछता था कि बोल बेटा तेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, तो मुझसे कहता था बापू जी इस बार ऐसा परिणाम आने वाला है कि आप देखते दंग रह जाओगे। फिर? अरे फिर क्या, जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था कि जेठिया तो फेल हो गया। सॉलिड सरप्राइज है। और एक बार तो मेरे लिए पेन लेकर आया। बापूजी, बापूजी। हाँ बेटा। आपके लिए नई पेन, आज से आप इसी से लिखना। मेरे लिए? अरे वाह जेठिया वाह, मेरा दिकरा मेरा कितना ख्याल रखता है, वाह। क्या बात कर रहे दादाजी, पापा ने आपको ऐसी सरप्राइज दी थी? अरे ऐसी नहीं, ऐसी ही, सब ऐसी ही सरप्राइज देता था मुझे जेठिया, मेरा तो जीव अधर हो जाता था। बेटा एक काम करने, जरा पता लगा ले कि तेरा पापा मुझे क्या सरप्राइज देने वाला है। और सुन, तेरी मम्मी को पता है कि सरप्राइज क्या है, लेकिन उसने मुझे ना बताने की कसम खाई है, इसलिए मुझे नहीं बताएगी। अब ये काम तू ही कर सकता है टपुड़ा, तो जरा देख ले, कोई आइडिया लगा कर तेरी मम्मी से जानने की कोशिश करने कि ये सरप्राइज है क्या। सुन बड़ी दादाजी, मैं कुछ सोचता हूँ। अरे यहाँ का सोचने बैठ गया तू, चल अपने कमरे में जाके सोचते। हाँ, 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 चल, हाँ, चल, हाँ, चल, हाँ, चल, 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 मित्रों जैसे बच्चे उलझ जाते हैं मदारी के खेल में, औरतें उलझ जाती है साड़ियों की सेल में, प्रेमी उलझ जाते हैं प्रेमिका की ख्वाहिश में, वैसे ही चंपक चाचा उलझ गए हैं जेठालाल के सरप्राइज में। आखिर क्या है सरप्राइज? चंपक चाचा सोच सोच के विचार के परेशान है कि आखिर जेठालाल उन्हें क्या सरप्राइज देने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लग रहा। वैसे हर दादा का जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है, उन्हें सबसे प्रिय होता है उनका पोता, और यहाँ पोता है टप्पू। अब देखना यह है क्या टप्पू पता लगाता है कि उनके पिताजी अपने पिताजी और टप्पू के दादाजी को क्या सरप्राइज देने वाले हैं। भाई अब वो पता लगाता है या नहीं लगा पाता, लेकिन इतना जरूर तय है कि सरप्राइज का पिटारा जब खुलेगा तो होगा उसमें ढेर सारा मनोरंजन। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए सरप्राइज क्या है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.